जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 बड़े हमले। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इंडियन नेवी की सबमरीन्स के लिए बनाएगी अंडर वाटर लॉन्च्ड यूएवी। इंडियामी के मौजूदा वाइस चीफ बनेंगे आर्मी के नए चीफ। ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बेहद ही जल्द। और अयोध्या, पठानकोट और केरल में एनर्जी स्थापित करने जा रही है अपनी नई यूनिट्स। आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पिछले 3 दिनों में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। आपको ध्यान होगा, सबसे पहला हमला हुआ था रविवार को रियासी में, जब पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने कायरतापूर्ण तरीके से तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पर अंधाधुंध फायरिंग करी थी। और इस हमले में 10 इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी थे। और फिर इन हमलावर को ढूंढने के लिए भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और अब रियासी वाले हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा और कठुआ जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें से पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के डोडा में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के टेम्प्रेरी बेस पर हमला किया था। और इस डोडा वाले हमले में हमारे अभी तक 6 जवानों के घायल होने की रिपोर्ट है, जबकि आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और जबकि इस डोडा वाले हमले से पहले कल शाम को कठुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक गांव पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इसी ऑपरेशन के तहत आतंकियों के साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। और अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस कठुआ वाले ऑपरेशन में अभी तक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुअरों को सफलतापूर्वक प्योरीफाइड कर दिया गया है। और मारे गए इन सुअरों के पास से काफी एडवांस वेपन्स भी रिकवर हुए हैं, जैसे कि अमेरिकन M4 कार्बाइन, और वो भी 5.56x45mm के नेटो बुलेट्स के साथ। बाकी इन कार्बाइन्स के साथ स्टनर मैगजीन्स, चाइनीज ग्रेनेड और पाकिस्तान की मार्किंग के साथ कई सारी चीजें भी इनके पास से मिली हैं। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी, और जो आतंकी मारे गए हैं ये संभावित रूप से पाकिस्तानी आर्मी और जैश द्वारा ट्रेन थे। लेकिन एक दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस कठुआ वाले ऑपरेशन में हमारे CRPF के 121 बटालियन के कांस्टेबल कबीर दास अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जबकि आतंकियों के इन हमलों के बीच सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी फैलाने का प्रयास किया गया था। और कुछ ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि एक निश्चित स्थान पर 3 सिविलियंस के शव बरामद किए गए, और ये भी कहा जा रहा था कि आतंकियों ने कुछ ग्रामीणों को बंधक बना लिया। लेकिन आपको बता दें कि ADGP जम्मू ने ट्वीट करते हुए इन सभी फेक न्यूज़ का खंडन किया और लोगों से शांत रहने और ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करने का अनुरोध किया। और ADGP जम्मू की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल 11 जून की शाम को 2 आतंकी कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में घूमते हुए पाए गए थे, और इन आतंकियों ने कुछ घरों से पीने के लिए पानी मांगा। लेकिन गांव वालों को जैसे इन पर शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, और उनकी तरफ से शोर भी किया गया। तो शोर होते ही जो आतंकी है वो पैनिक हो गए, और फिर उन्होंने रैंडमली हवा में फायर करना शुरू कर दिया। और फिर तुरंत ही SHO हीरानगर और SDPO स्पॉट पर पहुंचे। फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। और आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में कुछ सिविलियंस के घायल होने की भी रिपोर्ट थी, जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने सेफली इवैक्यूएट कराया और हॉस्पिटल पहुंचाया। और फिर इसके बाद दूसरे आतंकी की तलाश भी शुरू कर दी गई थी, और उसे भी अब होरिफाइड कर दिया गया। और आगे इन ऑपरेशंस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे, हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। भारत के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को DRDO की TDF प्रोग्राम के तहत एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को विकसित करेगी। और इस योजना के तहत जो ये अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं UAV, तो जो ये विकसित किए जाएंगे, इन्हें मुख्य रूप से इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि ये एक मूविंग सबमरीन से ऑटोनोमसली लॉन्च हो सकें, और दुश्मन पर एक सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करने के लिए ये हाई एंड्योरेंस और लॉन्ग रेंज के साथ आएंगे। और इसकी मदद से इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स हैं तो वो बिना डिटेक्ट हुए थ्रेट्स को मॉनिटर करने में सक्षम बनेगी। और ये सिस्टम रैपिड, सेफ और ऑटोनोमस तरीके से एक सर्विलेंस मिशन को परफॉर्म करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और इन UAV को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि ये पानी के नीचे से बड़े आराम से सरफेस पर या फिर हवा में आ सकें, और वो भी कम्युनिकेशन को लगातार बनाए रखने के साथ। और एक कॉम्पैक्ट अनमैन सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए नेवी की सबमरीन्स को रियल टाइम सर्विलियंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबमरीन में जो पेरिस्कोप होता है तो उसकी भी ऑब्जर्व करने की रेंज एक लिमिटेड एरिया तक होती है, लेकिन ये जो UAV है तो वो नेवी सबमरीन्स की जो ऑब्जर्वेशन वाली रेंज है उसे और बढ़ाएगा, और इसकी मदद से उन एरियाज को भी ऑब्जर्व किया जा सकेगा जहाँ पे सबमरीन की पेरिस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। यानी कि ये सबमरीन की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के साथ साथ मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ इंगेज करने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इंडियन आर्मी के नए चीफ के नाम की घोषणा हो चुकी है, और अब 30 जून 2024 को आर्मी के मौजूदा चीफ
जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब भारत के अगले आर्मी चीफ का कार्यभार लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी संभालेंगे, जो कि अभी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के तौर पर सर्व कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने मिलिट्री करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण कमांड्स को संभाल चुके हैं, जैसे कि नॉर्दर्न कमांड, 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड और ऐसी बाकी अन्य महत्वपूर्ण कमांड्स। और इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 GOC-NCE कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया। और ये चीन के साथ कॉम्प्लेक्स बॉर्डर इश्यूज को नेगोशिएट करने में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। और जबकि नॉर्दर्न कमांडर के तौर पर इन्होंने आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव के तहत आर्मी में स्वदेशी तौर पर मॉडर्नाइजेशन को भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा दिया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट को सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और ATC ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि एयरक्राफ्ट के पायलट ने ATC को कॉन्टैक्ट करके बताया था कि उनके एयरक्राफ्ट में फ्यूल लो है और इसलिए उन्होंने सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था। बाकी ये जो लैंडिंग है बिल्कुल सेफली हुई थी और इसमें एयरक्राफ्ट का पायलट और एयरक्राफ्ट इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको सूचित कर दें कि डिफेंस स्क्वाड के DS अनफिल्टर्ड शो पर नया एपिसोड लाइव हो चुका है, जिसमें हमने एक ऐसे वॉरफेयर के बारे में बात करी है जिसमें एक देश दूसरे देश पर बिना एक गोली चलाए भी उस देश को बर्बाद कर सकता है। तो इस खास वीडियो को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है जिन्हें आप एक प्राउड के साथ पहने तो इस तरह के मर्चेंडाइज के लिए squadian.in को विजिट जरूर करें और स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप स्पेशल कूपन कोड विजय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वियोन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि फिलीपींस के मरीन कोर की तरफ से उन्हें ब्रह्मोस को लेकर काफी ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला फीडबैक मिला है और फिलीपींस की मरीन कोर ब्रह्मोस वेपन सिस्टम, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम और अत्याधुनिक फैसिलिटीज से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। और उनकी तरफ से बताया गया कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की तरफ से अब इस ब्रह्मोस मिसाइल पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है और जिनमें अदर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल में भारत ने स्वदेशी सीकर, बूस्टर और कुछ अन्य मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के फ्लाइट टेस्टिंग के बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल में 83% तक के स्वदेशीकरण के लेवल को प्राप्त कर लिया है। और उनका कहना था कि कई सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत अपने एडवांस स्टेज में चल रही है और कंपनी को उम्मीद है कि वे जल्दी अपना अगला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस के अन्य ऑफिशियल जैसे कि डेप्यूटी CEO डॉक्टर संजीव जोशी से भी कुछ प्रश्न पूछे गए कि कुछ कस्टमर कंट्रीज और आर्म्ड फोर्सेस के बीच जो ब्रह्मोस की हाई कॉस्ट वाले कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदते समय जो हाई कॉस्ट है वो कोई बाधा नहीं है, खास करके तब जब आप इन्वेस्ट करते हैं क्वालिटी में, रिलायबिलिटी में, प्रिसिशन में, हाई एंड टेक्नोलॉजी में और एक सुपरसोनिक स्पीड में, जो कि आपको सब मिलता है बहुत ही लो मेंटेनेंस वेपन सिस्टम के साथ। और ये सारे पैरामीटर्स इस मिसाइल की ओनरशिप की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मोस का जो शेल्फ लाइफ है तो भी ओनरशिप की कॉस्ट को काफी महत्वपूर्ण तरीके से कम करने में अपना योगदान देता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक हर्मेटिकली सील्ड मिसाइल है और इसी के चलते इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी है। और इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस अभी भी 2005 से 2007 वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स को अभी भी एक बहुत ही कमाल की एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर रही है। उनकी तरफ से बताया गया कि ब्रह्मोस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और 290 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचने के लिए ब्रह्मोस को केवल 5 मिनट का समय लगता है, जबकि इसके कंपेयर में जो अन्य मिसाइल्स हैं तो वो उसी सेम रेंज पर टारगेट तक पहुंचने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लेती है। और ये सभी अलग अलग फैक्टर्स ये दर्शाते हैं कि ब्रह्मोस एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल वेपन सिस्टम है जो कि ओनरशिप की ओवरऑल लो कॉस्ट के साथ आता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG आने वाले कुछ ही महीनों में अयोध्या में अपनी नई यूनिट्स को स्थापित करेगी और फिर इसके बाद इस वर्ष के अंत तक पठानकोट और केरल में भी NSG की नई यूनिट्स को स्थापित किया जाएगा। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि अयोध्या, पठानकोट और केरल में NSG की जो नई यूनिट्स हैं वो इसी वर्ष ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। और इससे फायदा ये होगा कि इससे एक तो लोकल पुलिस और अन्य CAPF यूनिट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी और दूसरा ये कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में NSG के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम वो काफ़ी कम हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का श्री राम मंदिर जिसका उद्घाटन इसी वर्ष जनवरी में किया गया था तो ये भारत के सबसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में से एक है और ऑफिशियल्स का कहना है कि कई सारे आतंकी संगठनों के रडार में भी है, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अयोध्या में NSG की नई यूनिट को क्रिएट किया जा रहा है। बाकी इन लोकेशंस पर यूनिट्स को क्रिएट करने से पहले कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और इन लोकेशंस पर NSG की जो यूनिट्स तैनात रहेंगी उन्हें स्पेशलाइज्ड वेपन्स और एंटी ड्रोन मेजर से इक्विप किया जाएगा। और NSG के इन 3 हब के ऑपरेशनल होने के बाद फिर भारत में NSG के टोटल 8 हब्स ऑपरेशनल हो जाएंगे।
अभी वर्तमान समय में एनर्जी के 5 रीजनल हब्स हैं जो कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि एनर्जी के नए हब्स बनाने के लिए अयोध्या, पठानकोट और केरल को थ्रेट परसेप्शन के आधार पर ही आइडेंटिफाई किया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शेयर की गई डिटेल के मुताबिक भारत के 2024 लोकसभा इलेक्शंस में इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन पूरे इलेक्शंस के दौरान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने 1,750 सॉर्टीज के तहत 1,000 घंटे से भी अधिक की फ्लाइंग करी है। और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सनल को डिप्लॉय करना हो या फिर ईवीएम्स को एयरलिफ्ट करना हो तो इन सभी टास्क में एयरफोर्स काफ़ी सक्रिय रूप से शामिल रही थी। बाकी अगर एयरक्राफ्ट की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि 5 जून को पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था तो उसके बाद इसके क्रैश की कुछ वीडियोस लोकल्स की तरफ से ऑलरेडी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रैश को लेकर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी कमेंट देखने को नहीं मिला। यहां तक कि ये क्रैश हुआ था 5 जून को और अभी भी ये ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर से अपने इस जंग फाइटर 17 के क्रैश को छुपाने का प्रयास किया ताकि जिन भी कस्टमर्स को वो जंग फाइटर 17 के नाम पर चूना लगा रहे हैं तो उससे उनकी चूना लगाने वाली डील पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इसलिए इस क्रैश के बारे में तो पाकिस्तान की मीडिया ने भी कोई बात नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये हुई कि कल 11 जून को मार्टिन बेकर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस क्रैश के बारे में पब्लिकली इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे JF-17 ब्लॉक 2 क्रैश हुआ, लेकिन उस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हुई उनकी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट की वजह से पायलट ने सफलतापूर्वक इजेक्ट किया और अपनी जान बचाई। और खैर ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने इस तरह के क्रैश को छुपाने का प्रयास किया है। पाकिस्तान ऐसी हरकतें बहुत पहले से करता आ रहा है और पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड वाला F-16 तो हम कैसे भूल सकते हैं, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से शॉट किया था। और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 क्रैश हुआ उसको तो छुपाया ही छुपाया, लेकिन इसके साथ F-16 का जो पायलट वहाँ के लोकल्स ने इंडियन पायलट समझ के मार दिया था, उस इन्फॉर्मेशन तक को बाहर आने नहीं दिया। और तो और उस पायलट की फैमिली तक पर दबाव बनाया गया कि वो ये बात बाहर ना निकालें। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक हमले में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के ASI रमेश कुमार, ASI निरोध शर्मा, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल महेश KR कुशवाहा और कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन अब्दुल हामिद चारा वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में नागालैंड में कर्नल DJ सिंह, मेजर GS सतीश चंद्रन और सेकंड लेफ्टिनेंट E थॉमस जोसेफ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय राइफल्स को कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।